हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मनोज कुमार है और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि पासवर्ड को रिकवर कैसे करते हैं अगर आपका DVR लॉक हो जाता है। ठीक है, तो उसका क्या क्या प्रोसीजर है। टोटल मैं इस वीडियो में आपको मैं 3 से 4 स्टेप बताऊंगा कि आपको पासवर्ड रिकवरी कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहले आपका होगा हार्ड रिसेट, जो इसको हम रिसेट करते हैं खोल करके, ओपन कर करके। दूसरा होगा कि इसे बिना खोले हुए कैसे रिसेट करना है आपको। ठीक है, और तीसरा प्रोसेस है आपका, एक तो आपका ये बिना हो, तीसरा प्रोसेस क्या है आपका कि डायरेक्टली आपका पासवर्ड बिना कहीं कॉल किए हुए, कहीं भी कॉल नहीं करना है आपको, और डायरेक्टली सिर्फ आपको स्कैन करना है QR कोड को, ऑटोमेटिक आपके मेल ID या पासवर्ड चला जाएगा इंस्टेंट, जिस समय आप स्कैन कर लेंगे अपने मेल ID पे। सबसे पहला प्रोसीजर मैं बताने जा रहा हूँ आपको, वो देखिए। सबसे पहले आप जब खरीदते हैं DVR को, तो सबसे पहले ये ज़रूर कीजिए जो सेटिंग मैं करने जा रहा हूँ, ताकि आपको बार बार DVR खोलने कर हार्ड से रिसेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। सबसे पहले कीजिए क्या, ये नॉर्मली आपका वीडियो स्टैंडर्ड पल ही होगा क्योंकि इंडिया में ही चलता है। सेव करने के बाद ये आपका पासवर्ड बदलने का ऑप्शन है, जैसे देखिए ये मैं पासवर्ड बदल दिया। ये मैंने पासवर्ड डाल दिया, ठीक है, ये ब्लैंक छोड़ा हूँ। अभी ये मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। ठीक है, ये पैटर्न बनाना है या पैटर्न बना लीजिए, इनकेस अगर आप भरना नहीं चाहते हैं बार बार फेल, तो आप ये बना सकते हैं पैटर्न। ठीक है, अब ये देखिए ईमेल आईडी, जैसे मैंने बताया आपको कि ये ईमेल आईडी के थ्रू भी आप कर सकते हैं, तो मैं अपना ईमेल आईडी डाल देता हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने अपना मेल आईडी डाल दिया हूँ। ठीक है, और ये मैंने क्वेश्चन भी सेट कर दिया है, इसका आंसर था जो मैंने बाय डिफॉल्ट सबका कमेंट डाल दिया हूँ, ताकि अगर इन केस फ्यूचर अगर आपको याद ना रहे तो जो DVR का पासवर्ड है आप वो भी डाल सकते हैं, या फिर आपका ये क्वेश्चन जितना भी है आप उसके अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, अपना प्रेफरेंस के अनुसार अपना आंसर सेट कीजिए। फिर मैं सेव कर देता हूँ। ठीक है, ये विजार्ड कंप्लीट हो गया, सेटअप विजार्ड। फिर ये टाइम सेट करना है आपको, टाइम सेट कर दिया, ये हमारा है टाइम सेट हो गया। अब करना क्या है, मैंने इतना ही किया है, 3 स्टेप मैं बता रहा हूँ। पहला स्टेप करना क्या है आपको कि अगर आप पासवर्ड भूल जाएं, तो सबसे पहले मैं लॉग आउट करके दिखाता हूँ आपको। ये अभी आप, मैं लॉगिन कर रहा हूँ तो ये खुल रहा है। ठीक है, स्विच फॉरगेट पैटर्न, आपको पैटर्न याद नहीं है तो फॉरगेट पैटर्न, या फिर आपका, फिर आपको आ जाएगा ये आपका यूज़र आईडी जो नॉर्मल आता है। अगर आप ये भी भूल गए हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क का ऑप्शन है इस पर क्लिक कीजिए फॉरगेट पासवर्ड का। ठीक है, पहला था का पैटर्न अगर आप भूल गए हैं तो यहाँ आपको याद है तो ये डालिए, अदरवाइज अगर ये भी आप पासवर्ड भूल गए हैं तो फिर आप रिसेट के लिए ये QR कोड स्कैन जो मैं बता रहा था, आप जैसे ही आप QR कोड स्कैन कैसे आप करेंगे, आप GC MOB ओपन कीजिएगा। सबसे पहले स्टार्ट करना क्या है आपको कि ये QR कोड कैसे स्कैन करना है, ये देखिए। ठीक है, ये देखिए मैं GC MOB ओपन किया हूँ, ओपन किया, ओपन GC MOB, यह स्टार्ट हो गया आपका। अब आपको ये जो सिंबल है 3, इस पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे आप देखिए मोर ऑप्शन पे मिलेगा आपको, ये रिसेट डिवाइस पासवर्ड दिख रहा है आपको, आपको इस पर क्लिक करना है। ठीक है, ओके करना है आपको, और ये आपको क्लिक, यहाँ पे देखिए स्कैन करने का ऑप्शन आ गया आपका। ये देखिए मैं स्कैन कर रहा हूँ इसको, ये मैंने स्कैन कर दिया। ठीक है, इसको करना क्या है बताया, जैसे आपको रिसेट पासवर्ड कहाँ मिलेगा आपको, सबसे पहले लॉगिन कीजिएगा, GC MOB ओपन कीजिएगा, ये 3 सिंबल है, इस पर क्लिक करना है, मोर पे जाना है आपको, रिसेट पासवर्ड का ऑप्शन है। ये तभी होगा रिसेट जब तक ये ऑनलाइन नहीं हो, ठीक है, तब ये स्कैन करेगा और इंस्टेंट आपका पासवर्ड जो है आपके मेल आईडी पे भेज देगा। ये जैसे लिखा हुआ है, दैट सिक्योरिटी कोड विल बी डिलीवर्ड टू दिस मेल आईडी।
ठीक है, जैसे मैंने मेल आई डाला था, तो जो कोड आएगा वो कोड आपको यहाँ डालना है, ठीक है, और फिर आपको नेक्स्ट का बटन दबाना है। एक तो प्रोसेस ये हो गया, दूसरा प्रोसेस ये है कि आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन जो मैंने सेट किया था अभी, तो यहाँ पर अगर डालेंगे वो क्वेश्चन सिक्योरिटी क्वेश्चन, तो वो ऑटोमेटिक फिर ये आपका नेक्स्ट ऑप्शन कीजिएगा तो आपको रिसेट करने का, नया पासवर्ड डालने का ऑप्शन आपको दे देगा। तीसरा क्या है आपका कि ये तीसरा आपका है, जैसा मैंने बताया आपको, cctv.support@aditya.group.com पे मेल आईडी करना पड़ेगा। क्या मेल करना पड़ेगा आपको? DBR का मॉडल नंबर, जो कि आपका DBR का मॉडल नंबर ये है आपका, ठीक है, DBR का सीरियल नंबर, ठीक है, और तीसरा जो डेट एंड टाइम जो दिखा रहा है आपको यहाँ पर, ये जो आपका डेट एंड टाइम है वो आपको डेट एंड टाइम भेजना पड़ेगा। तीन स्टेप मैंने बता दिया, चौथा स्टेप आखिरी क्या है कि इसको आप DBR को खोलिए, फिर इसको रिसेट करिए, ठीक है। करना क्या होगा आपको, सबसे पहले DBR को ऑफ कर दीजिए अगर ये कुछ नहीं किया है आपने तो, ठीक है, और ये मैं चिंपू यूज किया हूँ, इसको ट्यूजर बोलते हैं, या आप हार्ड केबल से भी यूज कर सकते हैं, एलुमिनियम का या कॉपर का। और ये जो आप देख रहे हैं ये ऑप्शन जस्ट साटा पोर्ट का बगल में है, ठीक है, ये J38 से डिनोटेड है या 36 से है, इसको मैं शॉर्ट कर दिया, ठीक है, और फिर इसे मैं पावर ऑन करना है और 15 से 20 सेकेंड तक आपको वेट करना पड़ेगा, ये लंबी बीप की आवाज़ देगा आपको, ठीक है, ये बीप का आवाज़ अभी दे दिया है, ठीक है, तो इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है, दोबारा से इसको ऑफ करना है, ठीक है, फिर से इसको ऑन करना है, जब ये ऑन करेंगे तो आपका पासवर्ड रिसेट हो गया होगा, ठीक है, वेट कर लेते हैं स्क्रीन पे आने, अब ये देखिए ये स्क्रीन आ गया हमारा बिल्कुल जैसा शुरू में था, ठीक है, इसको सेव करना है और एज इट इज जो आपको पासवर्ड बनाना है आप पासवर्ड बना सकते हैं। ये मैं वीडियो बना रहा हूँ तो पार्टिकुलर मॉडल का ही होगा, ठीक है, अभी ये मैंने 16 चैनल का बनाया है, F1 SSC 8 चैनल का मैं बना दूंगा आपको जल्दी ही, ठीक है, तो अगर आपको कोई डाउट थोड़ा सा भी हो कि कौन सा पिन शॉर्ट करना है, ठीक है, तो आप बिल्कुल भी ना करें, अदरवाइज हो सकता है DBR आपको शॉर्ट कर जाए या ख़राब हो जाए या बंद कर जाए, तो कोशिश कीजिए कि जब आप कंफर्म हो तभी कीजिएगा। मैं दोबारा से आपको दिखा दे रहा हूँ कौन सा बटन है आपका ये रिसेट करने वाला हार्ड ड्राइव से, ये देखिए ये जो आपका बटन है ये वाला, इसके जस्ट बगल में है ये, ठीक है, ये J36 आपका, ठीक है, कोशिश कीजिए कि ये रिसेट ना कर कर करके डायरेक्टली आप क्वेश्चन सेट कर दिया कीजिए और वहीं से रिकवरी कर लीजिए, आपको खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा DBR बार बार, ठीक है। तो ये था ओवरऑल वीडियो हमारा, अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और कोशिश कीजिए अधिक से अधिक शेयर करें ताकि जो लोगों को दिक्कत आती है वो जल्दी से जल्दी खुद पे खुद सॉर्ट आउट कर लीजिए, ठीक है, थैंक यू।